और यहाँ पे मैदे का डो मैंने पहले से ही मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो देखिए इस तरीके से हमें लोई बनानी है और लोई को क्या करना है, इस तरीके से बेल लेना है। जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं उस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। और डो हमें किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से बनाना है, ये मैंने पहले ही यहाँ पे वीडियो पहले से ही वीडियो बनाई। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से आपके पास में इस तरीके से आप कोई बाउल या कटोरी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये गिलास लिया है, इससे क्या करेंगे इस तरीके से निशान बना लेंगे, जिससे कि बराबर बराबर हिस्सों में ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें गोल गोल इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें थोड़ा सा और हल्का सा पतला कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम पतले में इस तरीके से इसकी लेयर आनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी मठरी बनेगी वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। और ये जो मठरी बनेगी ये आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, तलने वाली मठरी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और अभी हमें क्या करना है कि इनमें हल्का सा इस तरीके से, आपके पास में कोई कांटे वाली कोई फॉक हो या स्पून वगैरह इस तरीके से आप ले सकते हैं, उससे क्या करना है हमें हल्के हल्के से इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से हमें इनमें इस तरीके से चलाना है हल्का हल्का। ऐसे ही करेंगे तो ये पूरी की तरह बेलेंगे। अगर हम इस तरीके से फॉक से इनमें हल्का सा ये छेद कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मछली बनेगी वो एकदम परफेक्ट तरीके से और एकदम लाजवाब तरीके से बनेगी। ये देखिए बाकी को भी हमें इसी तरीके से कर लेना। और बाकी को भी मैंने इस तरीके से बेल कर और इनमें फॉक से इस तरीके से लेद करके मैंने इन्हें कंप्लीट कर लिया। और अब मैंने फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, पैन में मैंने पहले से ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया था, जिससे कि हमारे ऑयल जल्दी से गर्म हो जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब हमें इस तरीके से इन्हें फ्राई कर लेना है। एक बार में जितने आए हमें उतने यहाँ पे फ्राई करना है। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इन्हें उलट पुलट करते रहना है। और देखिए मठरी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से इनका सारा ऑयल निकाल लेंगे। और इन्हें अलग से प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी करारी कुरकुरी हमारे यहाँ पे मठरी बनके तैयार हो गई। परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारी मठरी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल मार्केट वाली मठरी हमारी बनके तैयार हो गई। ये देखने में जितना लाजवाब लग रही ये खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि कितनी करारी और कितनी करारी क्रिस्पी यहाँ पे हमारी मठरी बनी है। देखिए तोड़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी करारी, ये इतनी करारी हमारे यहाँ पे मठरी बनके तैयार हो गई। मार्केट वाले घर पर ही इस तरीके से आप अपने हाथों से घर पर बना के इस तरीके से मठरी को सर्व कर सकते हैं और पूरी फैमिली वालों के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। आज की ये मठरी की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज के रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।